हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के टॉप 5 इमर्जिंग प्लेयर के, जो इंडिया के लिए आगे जाके बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आगे जाके। इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं रवि बिश्नोई। इन्होंने बस अभी तक 7 मैच खेला, पता नहीं पंजाब किंग्स ने क्यों नहीं मैच स्टार्टिंग के मैचेस नहीं खिलाता है, बाद में फिर लेके आता है जब हारना शुरू करता है। 7 मैच में बंदे ने 11 विकेट लिए टोटल, और इकोनॉमी भी बस 6 की है। मतलब 6 की इकोनॉमी आईपीएल में बहुत बड़ी बात होती है, इवन राशिद खान के इसके आसपास की होती है। और पंजाब ऐसे टीम से जहां मतलब कोई भी कुछ खास बॉलर तो स्पिनर तो बहुत अच्छा कोई है नहीं, फिर भी इससे मतलब इससे मैच एक वो लोग ड्रॉप कर देते हैं, और इसने अभी तक सिर्फ 7 मैच में 11 विकेट लिया। और यह टोटल 11 के 11 मैच खेलता, कम से कम इसके पास 18 से 20 विकेट रहता। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी का कंट्रीब्यूशन उतना लेम लाइट में नहीं आता है, क्योंकि वो बंदा आता है हर मैच में, ऑलमोस्ट सब में वो 40-30 बना के ही जाता है, या तो मतलब एक दो मैच में फ्लॉप हो गया, मोस्टली सारे मैच में वो 30-40 बना के जाता है। और उसके रन आपको विश्वास नहीं होगा 349 हो गया, मतलब 349, मतलब वो नंबर 8 पे है टॉप रन गेटर में, टॉप से नंबर 8 पे। उसकी स्ट्राइक रेट भी बेटर है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रन बना रहा है, वो अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, और वो वन ऑफ द रीजन है कोलकाता के मैच जीतने का, क्योंकि कोलकाता में प्लेयर तो बहुत है, बैट्समैन बहुत है, लेकिन उनका स्टार्टिंग का स्ट्राइक रेट मेन इशू रहता है। और इसकी स्ट्राइक रेट है 143, जो कि काफ़ी अच्छी है। मतलब मुझे लगता है टॉप 10 में स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो ये टॉप 10 टू 15 में होगा। उसके बाद आता है नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर। इस बंदे ने बस 5 मैच खेला है, बस 5 मैच, और 5 मैच में इसके ऑलमोस्ट 200 रन है, 193। ये टोटल 11 का 11 मैच खेलता है, इसके 500 के आसपास रन होते हैं अभी तक जितना 11 मैच हुआ है, और 5 मैच में इसके 250 है। इसकी भी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी है, 141, जो कि स्ट्राइक रेट मतलब T20 में स्ट्राइक रेट तो मैटर करता है, रन ही मैटर नहीं है। जैसे केएल राहुल का रन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्राइक रेट उतना ज़्यादा नहीं है, तो लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं, इसीलिए उसको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। लेकिन इसके रन के साथ साथ स्ट्राइक रेट भी बेटर है, और ये रीजन है कि ये मतलब इन लोग का कोलकाता नाइट राइडर का ओवरऑल जो रन रेट होता है इसके कारण और राहुल त्रिपाठी के कारण कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ, जो कि इन्हें आगे जाके क्वालिफायर प्ले ऑफ में जाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर सिमिलर पॉइंट रहा दो टीम का तो नेट रन रेट वहाँ बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। नंबर 4 पे आता है अक्षदीप सिंह। मतलब ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना अच्छा, मतलब ये अभी तक क्यों नहीं इंडिया के लिए डेब्यू किया पता नहीं, मुझे लगता है अपकमिंग 6 मंथ में इसका डेब्यू पक्का है, पक्का एकदम डैम श्योर। मतलब ये डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, पावर प्ले में बॉलिंग करता है, और विकेट लेता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलिंग करके मतलब बच बचा के निकल गया। इसकी विकेट 16 विकेट है, ठीक है हम लोग हर्षल पटेल या अवेश खान फेमस है, मतलब सभी नाम लेते हैं विकेट ले रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी भी 16 विकेट है, आपको विश्वास नहीं होगा। ऊपर से इसकी इकोनॉमी भी इतना नहीं है कि वो 10 की इकोनॉमी से रन खा रहा है, इसका इकोनॉमी 7.7 है, जो कि हर्षल पटेल से बेटर है। हर्षल पटेल का कितना 8.5 है इकोनॉमी। और सबसे लास्ट में आता है ऋतुराज गायकोट। इस बंदे का लास्ट आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया, इसका मेन रीजन था ये, जैसे ही आईपीएल खेलने गया वहाँ पे इसे कोरोना हो गया, इसके कारण इसने शुरू के कुछ मैचेस मिस किए। उसके बाद फिर इसे मतलब ये एज ए ओपनर खेलते ये खेलता है ओपनर अपने रणजी टीम या स्टेट लेवल की टीम के लिए, वहाँ उसे मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, वहाँ एक दो मैच ये फ्लॉप रहा, फिर इसे ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन जब लास्ट में चेन्नई फाइनली डिस्क्वालीफाई हो गई, फिर इसे रेगुलर चांस दिया गया, और इस बंदे ने 3 मैच में लगातार 350 मारा था पिछले आईपीएल, लास्ट के 3 आईपीएल में, जो शायद चेन्नई 3 मैच जीत गया था। उसके बाद इस आईपीएल में इस बंदे ने क्या ही रन मारा है, क्या ही मतलब अभी नंबर 5 पे है ये हाईएस्ट रन स्कोर में, 407 रन है इस बंदे के, और
और हर मैच में रन मार रहा है, ऐसा नहीं कि एक मैच में मार दिया फिर 100 और बाकी सब में फिर फ्लॉप हो रहा है, नहीं कंसिस्टेंटली मार रहा, 30 40 50 ऐसे। और स्ट्राइक रेट भी बढ़िया, 134 डिसेंट स्ट्राइक रेट होता है, ऐसे नहीं 120 के स्ट्राइक रेट से, 134 स्ट्राइक रेट भी ठीक है। और इस ये रीजन है इसकी और फाफ डुप्लेसिस की कंसिस्टेंसी मेन रीजन है चेन्नई के जीतने का, क्योंकि ये लोग स्टार्टिंग में इतना कंसिस्टेंट है, ऑलमोस्ट 50-60 रन का पार्टनरशिप इन लोग का हो जाता है हर दूसरे मैच में या ऑलमोस्ट सारे मैच में। उसके बाद वो लोग आते हैं रैना मोइन अली ये सब, बस उन लोगों को हिटिंग करना होता है, उन लोग के लिए ज़्यादा काम नहीं बचता है कि उन लोगों को रोकना नहीं पड़ता, इतना अच्छा से इनिंग बिल्डअप कर देता। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया इस आईपीएल, जो भी लग रहा है उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे तो ये पांचों प्लेयर इंडिया का फ्यूचर लग रहा है, और मुझे लग रहा है जल्द से 1 से 2 मतलब 6 महीने से 1 साल के अंदर ये इंडिया के लिए खेल रहे होंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि बस खेल के एक मैच का वंडर नहीं है, जैसे राहुल तेवतिया की तरह वो 1 या 2 मैच में चल गया बस, उसके बाद कभी मैंने तो नहीं देखा परफॉर्म करते हुए, या दीपक हुड्डा इस टाइप का, ये रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है हर मैच में। मुझे तो ये पांचों इंडिया के बहुत अच्छे फ्यूचर लग रहे हैं, मे बी ये लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी खेल जाए, अभी जो ये वाला वर्ल्ड कप नहीं, इसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला या उसके बाद वाला। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।